इश्यू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देना व NIA जयपुर को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का समय चुना है आपके मंत्रालय ने, एक तो भगवान धन्वंतरी जी के आयुर्वेद जनक थे, उनकी जयंती भी है, और दूसरा जो कोविड का 19 का जो असर है पूरे देश और विश्व के अंदर, उस दरमियान में इन दोनों संस्थान के बारे में जो आज नई सोच पैदा होगी वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कोविड 19 के अंदर भी आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, आयुर्वेद का क्या हमारे मुल्क के लिए बहुत प्राचीन कार्य है, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है इसका इतिहास 175 साल पुराना है। 175 ईयर के पहले 1845 के अंदर जयपुर में बाजी के मंदिर में शुरुआत हुई और 46 के अंदर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनाई और 76 के अंदर इसको केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर इसकी जो एक्टिविटी थी, इसका जो प्रभाव था उसको देखते हुए इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का दर्जा दिया। तब से लगातार राजस्थान में आयुर्वेद को लेकर के जो कुछ भी संभव होता था लगातार पूरा महत्व दिया जाता था। अब जो आपने आज फैसला किया डीम यूनिवर्सिटी का, उसके बाद में अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में अपना सेलेबर बना पाएगा, रिसर्च हो पाएगी, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी श्रीमद पादे जी कह रहे थे, इंटरनेशनल इसको बढ़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जो नेटवर्किंग हमारी है वो इस रूप में बनी हुई है कि चारों ओर आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, इसको हमेशा राजस्थान सरकार ने महत्व दिया है और इसी कारण आपको जानकर खुशी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है देश के अंदर। इसे मैं चाहूंगा इस मौके पर एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद है, कि राजस्थान को राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विशेष दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आयुष का सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा है, 5000 से ज्यादा तो आयुष चिकित्सा केंद्र संचालित है, और सभी ढंग से हम देखें तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो ये राष्ट्रीय आयुष मिशन का दर्जा मिलेगा। तो ये आज का जो ये डीम यूनिवर्सिटी का फैसला है और मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा मैं 2-3 सवाल देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, समय बहुत कम है। ड्रग व कॉस्मेटिक एक्ट 40 का जो है उसको संशोधन कर आयुर्वेद स्टोर संचालन में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए। योग व प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को वैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का गठन हो। ड्रग एवं मैजिक रेमिडीज एक्ट 1954 में बदलाव कर जिला स्तर पर भी प्राधिकृत अधिकारी का प्रावधान की अनिवार्यता की जाए। केंद्रीय आयुष नर्सिंग परिषद की स्थापना की जाए और साथ में कोई जमाने में नारी वेद का बहुत बड़ा महत्व था, नारी विज्ञान का आधिकारिक प्रसार किया जाए, क्योंकि राजस्थान इसका बड़ा केंद्र रहा है और वो स्थिति नहीं रही है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापना की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी रुचि देते हैं योग के अंदर भी, आयुष के अंदर भी, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर आयुष मंत्रालय और अधिक प्रभावी तरीके से इस मंत्रालय के अंदर जो भी आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सभी तरह के जो सेक्टर है उसको मजबूत करने में राजस्थान में भी वो सहयोग करेंगे।
और राजस्थान का मैंने कहा कि 175 साल पहले अगर स्थापना हुई हो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो आज जिस रूप में है, तो 175 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है। और राजस्थान में हमेशा इसीलिए संस्कृत को भी और आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।